हाय सर। हाय। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। कैसे हैं, कैसा लग? मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या बताऊँ सर। ये जिंदगी सर मुझे बहुत तकलीफ देती है सर। सर अच्छा, ये जिंदगी बहुत तकलीफ देती है सर। मैं आपको क्या बताएं सर, मुझे 3 बेटे हैं सर। अच्छा। एक पुलिस है सर, और एक डॉक्टर है सर, और एक चोर है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तीनों का सर पढ़ा लिखा कर सर मैं उन लोगों को शादी करवाई। बहुत सही, बहुत सही बात। लेकिन सर वह तीनों ने मुझे धोखा दे दिया सर। क्या? अरे कैसे हुआ? क्योंकि बुढ़ापा आ गया है ना सर, इसीलिए सर। अच्छा। घर से उन्होंने निकाल दिया है मुझे, मैं तो अब आंखों से अंधा हो चुका हूँ। उन लोगों की गलती नहीं है, पूरा गलती मेरा किस्मत का है सर, कि मैं अब इधर उधर घूमता हूँ सर, मांग चीन कर सर खाता हूँ सर। ये जिंदगी बहुत तकलीफ दुख वाली है, क्या करे, किस्मत तो हमारी है, सहना ही पड़ेगा। बेटा अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि उसका पिता बच्चों को प्राउड फील कराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सर घर में माता पिता भी है सर, उनका भी तबीयत खराब हमेशा रहता है सर, उनका भी इलाज करवाना पड़ता है सर। किस्मत साथ नहीं दे रही है सर। कहाँ से पैसा लाऊं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे इलाज कराऊं सर। आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी फैमिली को होना चाहिए वहाँ पे। कुछ नहीं पा रही हूँ कि आपके बेटे को अभी तक वैल्यू क्यों नहीं है, जब तक आप हो यहाँ पे। आपसे अच्छा बाप कौन होता है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जरूर देखेगा। थैंक यू सर। छोड़ो सर, जिंदगी है ऐसे ही चलेगी। अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं? ये पोटली में मैडम जी आपको क्या बताए, मैडम जी मैं इधर उधर मांग तुम कर खाता हूँ, और कोई देता है कोई नहीं देता है, कोई देता है तो कोई इसी में कोई अच्छा आदमी रहता है, कोई दे देता है ज्यादा तो मैं खाता हूँ और रख लेता हूँ, और इसको बाद में खाता हूँ। मैडम जी क्या बताए, मैं बहुत अभागा हूँ मैडम जी, जो मैं अभी दुनिया में मुझे कोई नहीं है, और कभी कभी नजर नहीं आता है तो मैं गिर जाता हूँ। मैडम जी क्या बताए आपको, क्या बताए सर, अब हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता है सर, मैं इधर उधर से मांग चुप कर खाता हूँ सर, अब मेरा तीनों बेटा ने सर मुझे घर से भगा दिया है, और सर मैं बुढ़ापी अवस्था में सर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करे सर, समझ नहीं आ रहा है सर। मैं अपने आप को बदनसीब हूँ सर, कि मैं 3 औलाद सर पाला, लेकिन 1 बेटा भी मुझे साथ नहीं दिया है सर। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। थैंक यू सर। इस दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, बस खाली पैसा चाहिए पैसा, और आप हमको मनोरंजन करके पैसा कमा रहे हो ताकि आपके घर में दे सके। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है, कैसे खाए। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाए। क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ किसी पर? ओके सर, मैं तो बात करा सकता हूँ, लेकिन सर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो तीनों सर बहुत बहुत बुरा लड़का है सर, लेकिन फिर भी सर मोबाइल को उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ कर दी, कोई बात नहीं, आपके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये शो तो जरूर देखेगा, नहीं देखेगा तो उसका दोस्त देखेगा, कोई ना कोई बताएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लग गया, बहुत दिल पे लग गया। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा बच्चा, आप बच्चे हो, लेकिन इस तरह जलील मत करो अपने बाप को, प्लीज मत करो। मैं आज छोड़ता हूँ यार, ऐसे जलील मत करो। थैंक यू सर। इस बात पे नाज करो कि भगवान ने आपको ऐसा बाप दिया है। वाह।
गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? जी सर, गाना हमने कहीं नहीं सीखा है सर। अच्छा सर, जवानी में मैं बहुत अच्छा गाना गाता था सर, लेकिन जब से बुढ़ापे का समय आया है सर, मैं भी गाना गाता हूँ सर, लेकिन लोग कहता है कि आप बहुत अच्छे गाना गाते हो, तो सर मैं भी अंदर से फीलिंग करता हूँ कि सही बात है कि मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ इस अवस्था में भी आकर सर। और सर कुछ गांव के लोग बोला कि अरे इंडियन आइडल में जाओ, ट्राई करो, कहीं हो सकता है तो तुम्हारा लिए बहुत कुछ होगा, बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। आज क्या सुना रहे हो आप, ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वह बहुत दर्द भरा गाना है, जो सुनेगा वो भी रो पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान भी इस गाने को सुनेगा तो रो पड़ेगा मैडम जी। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सिंग विनीत टू गा दे, विनीत टू गा दे, विनीत टू गा दे। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो, जय माता दी, लेट्स रॉक।
वो भी मेरा नाम, वो भी मेरा नाम, वो भी मेरा नाम, रो रो के अकेली गुनगुनाती थी, सभी को मिले अधिकार यहाँ यही ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में,
क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।